का वेलकम है सर। आज की हमारी चीफ गेस्ट डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर मैम, हमारे दोनों डीडीसी मेंबर्स डीडीसी छात्रों एंड डीडीसी परमार, उसके अलावा हमारी टूरिज्म की आज जो टीम आई हुई है जॉइंट डायरेक्टर मैडम और उनकी पूरी टीम, वेलकम है सिंथन में। हमारे सेक्रेटरी कल्चरल आए हुए हैं, आपका स्वागत है। उसके साथ साथ हमारी सिक्योरिटी की जो टीम है एसएसपी साहब और हमारे सीओ साहब हैं, हमारे कमांडेंट साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ऑफिसर्स, एडीडीसी साहब, एडीसी साहब, हमारे एसडीएम्स हैं, एसीडी हैं, जितने भी हमारे ऑफिसर्स और गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफिशियली आई डिक्लेयर सिंथन 2023 ओपन। वो कहते हैं कि लक फेवर्स दी ब्रेव, तो जब हमने ये प्रोग्राम प्लान किया डेफिनेटली एक एलिमेंट ऑफ रिस्क था, और मार्च में जब ये प्लान हुआ था तब सिचुएशंस उतनी फेवरेबल नहीं थी, टेम्परेचर्स भी सब जीरो पे जाते थे, और इस वजह से जब वेदर फेवरेबल नहीं रहा तो उसको सेफ्टी के लिए पोस्टपोन किया गया। लेकिन आज ये बहुत ही खुशी की बात है दैट विद दी वेलियंट एफर्ट्स ऑफ NHIDCL एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल दी मेंबर्स ऑफ टीम किश्तवाड़, आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि सिंथन फेस्टिवल आप सबके सामने है और जोर शोर से बड़े लेवल पे हो रहा है। यहां पे जितने भी चिनगाम से, छात्रों से लोग आए हुए हैं, मैं आप लोगों को आज इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगा कि किश्तवाड़ का टाइम आ गया है, और अगर हमको कोई चीज आगे लेके जाने वाली है, कोई चीज जो हमारी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, हमारी खूबी है, हमारी मजबूती है, वो है टूरिज्म और हमारी नेचुरल ब्यूटी, वो चीज हमसे कोई नहीं ले सकता। और आज ये प्रोग्राम जो आप लोगों की मदद से हो रहा है, उसने ये दिखा दिया है कि जब भी कोई टूरिस्ट आता है श्रीनगर, उसके पास समर्स में एक ऑप्शन रहेगा कि वो सिंथन मैदान भी आएगा और यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी का फायदा भी लेगा, और यहाँ पे जितने भी हमारे टूरिस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ले पाएंगे। मेरे को काफी सारे एफएम वालों से बात हो रही थी, प्रमोशन के लिए हम लोग भी सब जगह इंटरव्यूज दे रहे थे, तो पूछ रहे थे कि सर ये इवेंट करा कौन कौन रहा है, तो मैंने बोला सबसे पहले तो किश्तवाड़ की आवाम करा रही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मीडिया पर्सन हैं उनका जिस तरीके का सपोर्ट रहा है मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इन सबको पता है कि टूरिज्म के मामले में हम लोग उतने आगे नहीं जा पाए थे, लेकिन आज इन सबके कलेक्टिव एफर्ट की वजह से आप सामने देखेंगे तो आपको स्टॉल्स दिखेंगे, इसमें हमारे सारे किश्तवाड़ टाउन के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सभी लोगों ने अपने डाइवर्स फूड कुजींस को लगाया हुआ है। अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी होनार आर्टिस्ट हैं, समृद्धि है, बाकी भी सभी आर्टिस्ट हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के प्लेटफॉर्म में पार्ट लिया है और किश्तवाड़ आइडल जैसे इवेंट को भी सक्सेसफुल कराया है जिसका कल फिनाले है। आज मुझे लगता है एक जैम पैक शेड्यूल है, इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन भी है, तरन्नुम मैडम का भी परफॉर्मेंस है, कल्चरल एकेडमी को मुबारकबाद देना चाहूंगा, सेक्रेटरी साहब आज हमारे साथ आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लाइनअप हमारे लिए दोनों दिन इन्होंने लगाया है, और लोकल आर्टिस्ट को भी एनकरेज करने के लिए बहुत सपोर्ट दी है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वेदर यहाँ पे बड़ा फ्लक्चुएट करता है, लेकिन आज ऊपर वाले ने अपना कर्म रखा है और बहुत सपोर्ट किया है। हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ जितने भी इधर गेस्ट आए हैं सबको वेलकम करते हैं, सबका इस्तकबाल करते हैं, एंड वेलकम टू सिंथन, वी आर हैप्पी टू होस्ट यू, एंड वी वांट के ये हर साल का एक कैलेंडर इवेंट बने, और टूरिज्म डिपार्टमेंट में इसका बड़ा क्रूशल रोल है, उनकी सपोर्ट के बिना ये प्रोग्राम बिल्कुल नहीं हो सकता था। मैं मुबारकबाद दूंगा ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम को जिन्होंने आज इतनी दूर से कई जगह पे अटकने के बाद, लैंडस्लाइड्स भी आने के बाद शी अल्टीमेटली मेड इट, एंड अभी लास्टली हमारे एडीसी साहब, एसडीएम साहब और हमारे बीडीओ,
इनकी जो तीनों की टीम है एडमिनिस्ट्रेशन की, इन्होंने रात भर कल इधर काम किया है, इनको भी मुबारकबाद दूंगा, जिनके वैलियंट एफर्ट्स की वजह से ये इवेंट आज सक्सेस हो रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।